जी नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज में मिराज आलम। आज के हमारे एक खास मेहमान हैं उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अवध किशोरा। लगातार इस विश्वविद्यालय के लिए बेहतर कार्य किए हैं और इसी बीच उनका भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिरिक्त प्रभार मिला। सर, आपको मधेपुरा लाइव न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए आपको प्रभार मिला। थैंक यू वेरी मच, आपने धन्यवाद दिया इसके लिए कि भागलपुर भी प्रभार में मिला है। जहाँ तक TM भागलपुर यूनिवर्सिटी का सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए कि बचपन से ही मेरी वह एक ऐसी संस्था है जहाँ की शुरुआत हमने कॉलेज TNB कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की। ये 1965 की बात है और वहाँ से लेकर लगातार 2016 तक हम उसी विश्वविद्यालय में एक ही जगह कार्यरत हैं। वहीं से हमने जो है BSc किया, फिर MSc किया, PhD किया, रिसर्च भी किया, कई अवार्ड भी मिले, कई विदेश भी गए, सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह, वो मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी में है, हमने जो है 1965 से लेके 2016 तक एक ही जगह हमने बिताया। और वहाँ पर लास्ट में जब हम रिटायर किए थे तो वहाँ के हम प्रो वाइस चांसलर थे और फिर बहालियाँ हुई। संयोग ऐसा हुआ कि मेरी बहाली वहाँ नहीं हो पाई, किसी दूसरे की बहाली हुई, नलिनीकांत जी अभी जो महरूम अभी नहीं है, वो मेरी बहाली BN मंडल में हो गई। और BN मंडल में हम आकर, हमने BN मंडल में जब अपना योगदान दिया था 29 मई 2017 को, तो मेरे मन में एक आशंका थी कि क्या हम इस विश्वविद्यालय में सुधार ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। लेकिन हमने लगातार हमारे जो अपने रोड मैप हमने बनाया, महामहिम के हम रोड मैप को दिया कि हम कैसे इस विश्वविद्यालय का सुधार करेंगे। सबसे पहला हमारा एक ही था कि जब तक यहाँ के कर्मचारी और शिक्षकों के बीच में उत्साह नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय को सुधारना मेरे लिए दिक्कत होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि 92 से लगातार कर्मचारी 85-86 कर्मचारी काम करते आ रहे थे। आज तक पूर्व के कुलपतियों ने किसी ने नहीं सोचा कि इनके भी बहाली को परमानेंट किया जाए। और संविदा पर इतने दिनों तक, आप समझिए 1992 से लेकर 2017 तक कितने साल गए, करीबन 25-26 साल। और जिस कर्मचारी का उम्र 20 साल था उस कर्मचारी का उम्र जो है 45 साल हो गया, 50 साल हो गया। तो एनी हाउ कोर्ट में केस हुए, राज्य सरकार से वार्ता हुई और मिलने जुलने के बाद सारी चीज़ों एक समस्या का समाधान हुआ, इन लोगों की बहाली कर ली जाए। तो ये बहाली हो गए, बहाल हुए तो ये लोग प्रसन्न हुए कि अब मेरी बहाली हो गई। तो जितनी इनकी कार्य क्षमता है और जितना ये कार्य कर सकते हैं वो लगन लगा के वह कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा पार्ट हमने देखा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को जो है पिछले मैंने 12 से लेकर लगातार कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, सारे लोग परेशान थे। और नियम है कि हर एक शिक्षक को अपने पूरे सर्विस करियर में कम से कम 2 प्रमोशन मिलना चाहिए, लेक्चरर से रीडर, रीडर से जो है प्रोफेसर। तो हमने वो भी किया, तो 2 जब हो गया तो तीसरा हमने मन में ठान लिया कि जब तक हम बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक बच्चे कक्षा में नहीं जाएंगे। क्योंकि 2 तरह की पढ़ाई यहाँ होती है, एक है हमारा सोशल साइंस जिसमें प्रायः प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं और एक हमारा साइंस है जिसमें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि छोटे छोटे रूम में, बॉटनी एक रूम में, फिजिक्स एक रूम में, केमिस्ट्री एक रूम में, फिलॉसफी एक रूम में, हिंदी एक रूम में, एक एक रूम में क्लासेस चलते थे, जबकि लड़कों की संख्या 50 हैं, 40 हैं, कहीं 60 हैं, होम साइंस में 100 से ऊपर लड़के लड़कियां हैं। तो हमको लगा कि इससे तो पढ़ाई का कोई जो है, जब तक इसको सुविधा नहीं दी जाएगी तो लड़के यहाँ पढ़ के भी क्या करें, कुछ समझ नहीं पाएंगे और इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो हमने जो पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, एबंडन हो गया था, कोई देखने वाला नहीं था, हमने कोशिश करके उस सारे बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद सारे डिपार्टमेंट को, साइंस फैकल्टी है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, सारे विभाग को हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अभी जाके देखें, अभी इस बार हमने करीबन 2,500 पौधे लगवाए, हर परिसर हरा परिसर के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 2,500 पौधे लगाए गए हैं। पहले से भी पौधे लगे हुए थे। वहाँ पर हमने एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया, एक UGC से प्रदत्त एग्जामिनेशन हॉल है ही, एक अलग से बिहार सरकार से प्रदत्त एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया। और आज अभी हम एक बार में 1,000 लड़के का एक ही जगह
परीक्षा ले सकते हैं, जहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है और वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। गोदरेज का बेंच डेस्क है, पानी की सुविधा है, बाथरूम है, सारी चीज़ें हैं और लड़के अब वहाँ परीक्षा दे रहे हैं। और इसके पीछे मेरी एक ही सोच थी कि छोटे छोटे कॉलेज के रूम में जो लड़के परीक्षा देते थे तो बड़ी मुश्किल हो जाता था कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही। इसको हमने शिफ्ट किया, अभी बीएड की परीक्षा वहाँ हो रही, जाके देखें बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, लड़के आराम से परीक्षा दे रहे हैं, पानी की सुविधाएं हैं और अच्छा वातावरण है, पूरा एक हरियाली है, एक वातावरण है। लगता है कि यह विश्वविद्यालय का सबसे अस्थिर बस सबसे खूबसूरत जगह यही है। तो हमने ये सारी सुविधाएं कर दी। अब हम कॉलेज की तरफ चले और कॉलेज के लिए हमने सोचा कि महाविद्यालय में पीजी का हमारा हो गया, महाविद्यालय में हमने सोचा कि हर एक महाविद्यालय कम से कम इस स्थिति में हो कि लोग कहे कि ये महाविद्यालय। आप केपी कॉलेज मुरलीगंज को देख लें, कभी एक बार जो है टीवी में आया था कि बहुत गद्दी गतरीभूत कंडीशन में है, तो आज जाके देखें आप मुरलीगंज कॉलेज में, आपको बाहर से ही लगेगा कॉलेज है। टीपी कॉलेज जाकर देखें आप, पार्वती साइंस देखें, रमेश जा देखें, क्या कहते हैं आर एन कॉलेज जाके देखें, सभी कॉलेज में जाने के बाद आपको महसूस होगा कि कॉलेज का भी कायाकल्प हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है कि लड़कों को मतलब विद्यार्थियों को किस तरह हम कक्षा तक ले जाएं। हमने एक नोटिस जारी कर दिया है टीचर के पास कि कक्षा में लड़का रहे या न रहे, जिस शिक्षक का क्लास है वह क्लास रूम में जाएंगे, स्व अध्याय कहते हैं हम लोग जिसको, अपना जो लेशन है उसी को पाठ करेंगे, लड़का आए चाहे नहीं आए। इसी बहाने लड़के किताब से रूप टीचर किताब से रूबरू तो होंगे, वो लेसन तो जानेंगे हमको क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। तो एक मन में क्या होगा कि जागृति होगी, हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको हमको पढ़ाना चाहिए, जैसे हम जान रहे हैं यहाँ तो हम बोलना चाह रहे थे तो बोल रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं, उसके बावजूद भी जो इनका एक प्रश्न है और बराबर ये प्रश्न लोग हमको करते हैं, फिर लड़के विरोध क्यों करते हैं जी? देखिए लड़के विरोध करने के कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि लड़कों में भी कई ग्रुप के लड़के हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही लड़के हैं जिनको कि जिनका रिजल्ट कमज़ोर है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो कोशिश करते हैं कि बाहर में एडमिशन हो तो बाहर चले जाएं। तो हमारे यहाँ वैसे भी बच्चे रहते हैं जिनको कि बाहर जाने की उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें यह है कि चूंकि शुरू से पिछले 15 साल से एक प्रथा चली हुई है कि कॉलेज नहीं जाना है, एडमिशन ले लेना है, परीक्षा दे देना है, रिजल्ट निकले उसमें फेल कर गए अगर तो विश्वविद्यालय को घेर लेना है, फिर से कॉपी दिखवाना है, 3 बार दिखवाना है जिससे हम किसी तरह पास करें। मतलब दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द एजुकेशन, दे आर कंसर्न जस्ट लाइक एक जैसे दुकान होता है, हम दुकान में आए सामान खरीदे, खराब सामान है तो लो आए फिर दोबारा लौटाए कि खराब दे दिए हो, लाइक दैट ऐसे नहीं होता है। हम हमेशा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, न्यूज में भी आप देखते हैं कि कक्षा के बिना शिक्षा नहीं और इस दोनों के बिना व्यक्तित्व का कभी विकास हो ही नहीं सकता। तो व्यक्तित्व का विकास सबसे पहले बच्चों को चाहिए, व्यक्तित्व का विकास, और उसके विकास के लिए उसको कक्षा में जाना होगा। अगर कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, प्राध्यापक की ज़रूरत नहीं होती तो आज इतने कॉलेज क्यों खुलेगा? तब तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, लोग प्राइवेट में कोचिंग में करके पास कर जाते। आप पूरे देश में अभी हमारे यहाँ 40,000 से अधिक कॉलेज हैं, हमारे यहाँ 800 से अधिक विश्वविद्यालय, आखिर क्यों खोला जा रहा है? आखिर विक्रमशिला क्यों खुला, नालंदा क्यों खुला, ये सब विश्वविद्यालय आखिर खुला क्यों? इसीलिए कि बच्चे यहाँ आए और बच्चे यहाँ पढ़ाई करें। उस समय से ये मैंने आप BC की बात कर रहे हैं, 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको देखना होगा, जो हमारा संस्कृति और सभ्यता है उससे रूबरू हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे। बार बार इनको हम समझाते हैं, समझा भी रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो मान भी लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कि पढ़ाई से अधिक उनको लगता है कि हम अगर हंगामा हो हंगामा करेंगे तो हम नेता बन जाएंगे। तो वो चीज़ जब बच्चों के दिल में समा जाती है हमको नेता बनना है, तो नेता बनना है तो कोई भी नेता ने कॉल किया तो सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, कक्षा जाना संभव नहीं है उसके लिए, लेकिन दिन भर हमारे पीछे आपके पीछे अगर नेता है तो दौड़ते रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए गार्जियन को भी आगे आना होगा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई देखने के लिए गार्जियन को भी जागरूक होना होगा, हमारे बच्चे घर से निकल रहे हैं तो क्लास जाते ही कि नहीं जाते। अगर बच्चों का एडमिशन गार्जियन ही ले ले, बच्चों का जो है रिजल्ट फॉर्म भी परीक्षा का वही भर दे, सब कुछ वही करेगा, स्वाभाविक है कि लड़के को कम से कम ये भी ज्ञान नहीं होगा हम शिक्षकों से कैसे बात करें।
हमारा क्या डिमांड होना चाहिए, न्यायोचित हमारी क्या डिमांड होना चाहिए, ये भी उनको पता नहीं है। हम क्या मांगने जा रहे हैं भीसी साहब से, उनको ये पता नहीं। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि हम जा रहे हैं, अरे तुम बहुत अच्छे हो, आगे बढ़ गया और चला गया। और यही कारण है शिक्षा की सबसे अधिक कमी होने के कारण बच्चों में इसका पूर्ण ज्ञान डेवलप विकसित नहीं हो पा रहा है। इसलिए बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गंदा पानी है कौन साफ पानी है, कितना हमको बोलना चाहिए कितना हमको नहीं बोलना चाहिए, क्या हमको। सर आप दोनों विश्वविद्यालय कैसे देखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय बहुत दिनों से आप जानते हैं 6 के हैं हमारे भागलपुर का, बहुत साल हो गया, और उसी विश्वविद्यालय से कई विश्वविद्यालय बनते भी चले गए। बहुत विश्वविद्यालय सुंदर से वहाँ पर जो है हर एक निजी डिपार्टमेंट जो है लड़के क्लास जा रहे हैं, अभी भी निजी डिपार्टमेंट चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स, हिंदी, अंग्रेजी हो, सबके अलग अलग विभाग हैं और कैंपस एक है, साइंस कैंपस एक है लेकिन विभाग अलग अलग है। बच्चे क्लास जा रहे हैं, वहाँ सारी चीजें सुव्यवस्थित है, थोड़ी बहुत जो गड़बड़ियाँ हैं ट्रैक्स लोग अभी सीख के हैं उसमें है कि परीक्षा के प्रकाशन में थोड़ी देर हो रही है, जिसके चलते सत्र भी वहाँ पर थोड़ा लेट है। हमको लगता है कि 2-4 महीने ही लेट होंगे इंटरव्यू और पीजी के मुश्किल से 10 महीने और 12 महीने, इसलिए हम वहाँ जाएंगे तो पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि बच्चों की जो समस्या है उसको हम कैसे, उनकी परीक्षाएं अगर हो रही है तो 40 दिन के अंदर में उसका हमने जल्द से जल्द, जिससे कि हम सत्र को नियमित कर सकें। सत्र नियमित होना बहुत जरूरी है, तभी जो है बच्चों को भी इंटरेस्ट होता है। नहीं तो पहले क्या था कि 3 साल के कोर्स 5 साल में पूरे होते थे और 2 साल का कोर्स 4 साल में पूरा होता था। अब ये कम से कम ऐसा है कि हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, कि कम से कम जो समय से परीक्षा हो जाए, समय से रिजल्ट निकल जाए, समय से एडमिशन हो जाए और कक्षे में पढ़ाई, यह सबसे आवश्यक है। सर मेरा ये देखिए, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बड़े सुविधा हैं और आभार पूर्ण करते हैं राजभवन के, जिन्होंने हमको कुछ समझा के लिए कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे मन में ऐसा लगा हो कि एक मंदिर में यूनिवर्सिटी को अगर चला सकते हैं, अगर ये भावना हुई चला सकते हैं और अच्छे ट्रैक पर ला सकते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में अगर ट्रैक से जारी उतर गया है तो फिर इस ट्रैक को यही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम आभार प्रकट करते हैं राजभवन से, इसीलिए करते हैं कि उन्होंने मेरा अच्छा नहीं किया और हमको इस बात से खुशी है कि हमारा वहाँ पर हुआ भले 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए, क्योंकि बचपन से लेकर हम रिटायरमेंट तक हम सारी एनर्जी बच्चे से लेकर इसे सब काल से लेकर पढ़ते 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 हम जो बूढ़ा हो गए रिटायर करके, मेरी सारी जिंदगी उसी 2 किलोमीटर के अंदर में हुई और वहाँ पर हम कुलपति के रूप में अगर हमारा चयन हुआ है या हमको चार्ज मिला, हमको लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको एक मौका मिला कि अपने मातृ संस्थान के लिए जो मातृ संस्थान में हमने प्राप्त किया सारा चीज हमने वहीं से प्राप्त किया और उसी प्राप्ति के बदौलत हम यहाँ भी भाई चांस, तो हमको एक बार फिर से वहाँ उस मातृ संस्थान को नमन करने का मौका मिलेगा, इसके लिए हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली। सर एक और सवाल है आपका, सर अध्ययन भी इस विश्वविद्यालय से हुआ तो आप क्या लगता था सर कभी विश्वविद्यालय का हम देखिए, ये अभी एक जगह बात हो रही थी तो हमने कहा था कि 1962 से हम चले और मेरी पढ़ाई और नौकरी जो है 2014 में हमको वहीं साथ रह गया, तो अंतिम जब हमारे पास 2 साल बचे हुए थे रिटायरमेंट, तो मेरे मन में भावना आई कि इतने लोग भाई चांसलर प्रो वाइस चांसलर बनते हैं, आखिर हमें क्या कमी, हम क्यों नहीं बन सकते। तो आई टुक इट वेरी इजीली कि सब करता है हम भी अप्लाई कर दें तो हमने भी अप्लाई कर दिया और अप्लाई इसलिए किया कि हम देखें एक बार कि वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर जो बनते चले आ रहे हैं, तो हमको लगा कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम ये काम कर सकते हैं। तो संयोग ऐसा हुआ कि हमको हमारे यहाँ से 3 लोगों की बाहर ही हुई भागलपुर विश्वविद्यालय से और लोग बाहर गए, लेकिन हमको भागलपुर विश्वविद्यालय ही मिल गया, तो वहीं से उसके प्रति जो है हमको जो लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं और 3 साल तक हमने काम किया। यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट एक्रेडिटेशन नहीं हुआ था, एक्रेडिटेशन हमने कराया और बेहतर हमको पॉइंट्स भी मिले, कॉन्वोकेशन भी हमने वहाँ कराया उस दरमियान में स्पोर्ट्स और सारी चीज़ों को हमने कराया, बहुत काम उस समय हुए वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हुआ कि भाई प्रो वाइस चांसलर 3 साल रह गए, अब देखते हैं वाइस चांसलर बन सकते हैं कि नहीं, बहुत सिंपल बात बताया, फिर हमने अप्लाई किया जैसे सब लोग अप्लाई करते हैं।
ट्राई करते थे। तो बहुत जगह मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, नहीं हुआ, बीएन मंडल में हुआ, और तब से बीएन मंडल में हम जब आए तो उस समय की स्थिति कुछ और थी। आज तो बीएन मंडल ऐसा है कि कैंपस के अंदर अगर घुसते हैं छुट्टी के दिनों में तो आपको लगा कि अंदर ही घूमते रहे। बाहर में सर एक सवाल और है, जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ और आप आते ही इसको शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करा दिए, और जैसा कि हमें मालूम हुआ कि अक्टूबर में फिर चुनाव होना है। बिल्कुल आपको सही पता है, पहला बार जो चुनाव हमने कराया, हम इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि छात्र को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार जब तक आप नहीं दीजिएगा तो उससे कर्तव्य आप कराने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। पहले उसको बताना होगा कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम छात्र संघ के नेता बन रहे हो। लेकिन एक छात्र संघ के नेता का क्या कर्तव्य होता है? अधिकार था तो तुम बन गए नेता, लेकिन अब कर्तव्य तुम्हारा क्या है इसको तुम जानो कि तुम बच्चों विद्यार्थियों के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, वो क्लास रेगुलर आए उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। इन चीज़ों के लिए हमने सोचा कि छात्र संघ ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से लड़कों को हम शहर से कक्षा तक ला सकते हैं, रोड से हम कक्षा तक ला सकते हैं, घर से उनको हम कक्षा तक ला सकते हैं। इसीलिए हमने प्रायोरिटी बेसिस पर छात्र संघ का चुनाव करवाया, जबकि दूसरे विश्वविद्यालय में भी हुआ, और पुनः हम अक्टूबर में प्रयास कर रहे हैं अक्टूबर में पुनः हम छात्र संघ का चुनाव करें। जबकि छात्र संघ का चुनाव करना थोड़ा एक कठिनाइयाँ होती हैं, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन छात्र को अधिकार दिलाना है तो इसके लिए हम छात्र संघ का चुनाव भी करवाएंगे अक्टूबर में, शायद हम सक्षम हो जाएंगे छात्र संघ का चुनाव। इसी कड़ी में सर एक और सवाल है, जिस वक्त आप विश्वविद्यालय में आए थे उस वक्त काफ़ी कुछ बेहतर नहीं दिख रहा था, मगर अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ विश्व भूपेन्द्र नारायण वर्ष भूपेन्द्र नारायण वर्ष मंडल विश्वविद्यालय भी लगता है कि एक अपनी अगर पहचान बना गया। आप सर देखिए ये तो बिल्कुल सोच है यहाँ के जनमानस की, यहाँ के लोगों की, जनता की, मैं उनके प्रति मेरा आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम उनके मन में ये भावना तो जग रही है, कम से कम एक आशा जग रही है उनके मन में कि जिस विश्वविद्यालय के बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते, जहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं आश्चर्य होगा कि पहले बच्चे जो अभी बीपीएससी से सिलेक्शन जो हो रहा है, अब बच्चे पहले ये बोलते नहीं थे कि हम मधेपुरा में करें, हमको सर पूर्णिया करते हैं, और आप मधेपुरा में अभी जो हमारे पास हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के लिस्ट आए हुए हैं तो उसमें कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं हमको कि सर हमको मधेपुरा दे दिया, हमको मधेपुरा ही दिया गया। तो इसी से लगता है कि बदलाव तो हो रहा है, बदलाव तो हुआ है, और यह बदलाव सभी के सहयोग से, और मेरा मानना है कि सबका साथ लेके चलिएगा और सबका विश्वास जीतिएगा तभी आप विकास की कल्पना करेंगे। इसी करीब से एक बात और सामने आई थी कि आप खुद प्रत्येक मंगलवार को क्लास लेंगे। जी मैंने क्लास एक दिन लिया भी, और मेरा अभी भी ये तमन्ना है कि हर एक मंगलवार को हम सारे ग्यारह बजे से क्लास लें, लेकिन कुछ संजोग इधर हुआ एक क्लास के बाद फिर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, कभी कोई मीटिंग होती है, चाहे घटना हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है, लेकिन पुनः हम जब लौट रहे हैं, मान लिया कल हम जाएंगे भारत, हम लौट के जब आएंगे तो अगेन मंगलवार में ट्यूजडे को अगर हम फ्री होंगे तो हम जो है जरूर क्लास लेंगे, और क्लास लेने में हमको जितनी प्रसन्नता और खुशी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में उतनी प्रसन्नता हमको नहीं है। मैं सब सही बता रहा हूँ, जब हम क्लास जाते हैं और क्लास से निकलते हैं तो हमको लगता है कि आई हैव डन समथिंग, और बहुत बढ़िया काम हमने कोई किया है, और मन मेरा प्रसन्न है। वहाँ पर भी करते थे, अभी भी अगर वहाँ हम जाएंगे मौका मिलेगा तो हम जरूर वहाँ भी क्लास लेंगे। क्लास हमारा डिपार्टमेंट अभी भी, मेरे रूम भी अभी हैं, सारी चीज लैब भी अभी मेरे वहाँ पर लगे हुए हैं, तो हम तो छोड़ने के पहले दो दो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको मैंने छोड़ के आया, दूसरे को दे दिया। मेरे साथ 35 लड़कों ने पीएचडी किया, किसी भी लड़के को हमने जो है सभी लड़कों को फेलोशिप दी, पैसे दिए, ऐसा नहीं है कि बिना फेलोशिप का कोई लड़का था, और सभी लड़के अच्छे से जवाब निकलवाए। और हम तो आने के पहले हमको बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बेनिफिट फिनांशियल है, तो इवेलेटर्स प्रोफेसर हो गए थे यूनिवर्सिटी का, हम 3 साल उसमें भी काम कर सकते थे, 50,000 रुपये मिलते थे, तो उस सबको छोड़ के हम आए। एक ही इच्छा थी कि इस बीएन मंडल अगर हमको मिला है आई डू किट एज ए चैलेंज, और हमने कहा कि नहीं इसको हम बदल कर दिखाएं, और बहुत हद तक प्रयास बदला भी है कुछ, और आगे भी हमको लगता है कि आप लोग का सहयोग रहेगा तो बदलाव और दिखेगा। सर मेरा एक अंतिम सवाल है जी, आपका गिरी जिला भागलपुर है और आप सर वहाँ जाएंगे तो वहाँ के तो लोगों को काफी आश्चर्य की आप पर। देखिए ऐसा है कि जब से सुना है लोगों ने कम से कम को लग रहा है कि 500 आदमी का फोन आ चुका होगा, क्योंकि हम वहाँ के हैं तो सभी लोगों को उम्मीद बनती ही है, बनना भी चाहिए,
कि यहीं के टीचर रहे, यहीं के स्टूडेंट रहे, तो अगर ये आएंगे तो जैसे प्रीवियस अप्रो वाइस चांसलर के टेन्योर में इन्होंने विश्वविद्यालय के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, अपना डेडिकेशन दिखाया, पुनः ये दिखाएंगे तो स्वाभाविक है विश्वविद्यालय अगर ट्रैक से उतर भी गया है तो पुनः यह ट्रैक पाएगा और अपनी गति से जो है विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ लोगों को। चलिए तो आप जाने कि बहुत सारा कुछ सर बताए कि हमारा काफ़ी कुछ बेहतर रहा जिस वजह से आज हमको ही चुना गया है भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए। इस वक्त के लिए मधेपुरा से मेरा जाना।